हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू तेजस्विनी ट्यूटोरियल्स। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज ऑन पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो कि साइंस वन में आपको दिया है सेकंड लेसन 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। तो अपन एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ अगर आप लोगों को हमारे चैनल्स के वीडियो अच्छे लगते हैं तो इन्हें लाइक करा कीजिए, आपके फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हमारे चैनल से रिलेटेड जो भी नए वीडियोस हम डालेंगे वो डायरेक्टली उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। उसके अलावा वहाँ पे एक बेल आइकॉन भी दिया होता है, उसको अगर आप क्लिक करके रखोगे तो आपको सडनली उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने दिया है, रीअरेंज द कॉलम 2 एंड 3 सो एज टू मैच विद द कॉलम 1। तो इसका मैं डायरेक्टली आपको आंसर दे देता हूँ। इस तरह का क्वेश्चन आपके बुक में दिया है। उस क्वेश्चन का आंसर आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हो। ट्रायड के लिए आपको लिखना होगा एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एटॉमिक मास, जो कि डोबेरियर्स ने आपको दिया था। ऑक्टेव न्यूलैंड का है, जो आप लिख सकते हो प्रॉपर्टीज ऑफ 8th एलिमेंट सिमिलर टू द फर्स्ट। एटॉमिक नंबर मोस्टले ने दिए थे, जिसमें पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस आप लिख सकते हो। पीरियड सिक्वेंशियल चार्ज इन मॉलिकुलर फार्मूला, जो कि मेंडेलीव ने आपको दिया था। न्यूक्लियस कॉन्सेंट्रेटेड मास एंद पॉजिटिव चार्ज, जो कि रदरफोर्ड का कंसेप्ट है। इलेक्ट्रॉन लाइटेस्ट एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इन ऑल द एटम्स, जो कि थॉम्सन ने दिया था। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड राइट द स्टेटमेंट। मैंने आपको जो करेक्ट ऑप्शन है उसको चूज करके दिया हुआ है। फर्स्ट के लिए आएगा 1, सेकंड में आएगा ग्रुप 2 मीन्स फर्स्ट आंसर, थर्ड के लिए आएगा Na सोडियम, और डी में आपको आएगा पी ब्लॉक। ठीक है, तो इस तरह से आप उसके आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद का थर्ड क्वेश्चन है, एन एलिमेंट हैज़ इट्स ओन कॉन्फिगरेशन एज 2 8 2, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसके रिलेटेड आंसर मैं आपको दे देता हूँ। उस क्वेश्चन का आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। पहला उन्होंने पूछा है व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ इट्स एलिमेंट, तो हमें पता ही है एक आधे एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर कितने प्रोटॉन्स होते हैं, वही होता है उसका एटॉमिक नंबर। इसीलिए हमने जो एटॉमिक नंबर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो आपको इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं उन सारे इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन कर दी, मीन्स 2 + 8 + 2, दैट इज आपको आ रहा है 12। सेकंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा है व्हाट इज द ग्रुप ऑफ दिस एलिमेंट, तो इस एलिमेंट का ग्रुप क्या होगा। तो ग्रुप काफ़ी ईजिली आप पहचान सकते हो, जो कॉन्फ़िगरेशन आपको दिया है उसमें लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो चेक करना। जैसे कि आपके कॉन्फ़िगरेशन दिया है 2 8 2, तो ये जो लास्ट ऑर्बिट है यहाँ पे आपको दिए हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स इसका ग्रुप नंबर क्या होगा 2। अगर यहाँ पे जो नंबर है वो 1 और 2 आता है तो हम उसी को लेते हैं उसका ग्रुप नंबर, पर यहाँ पे अगर 3 4 5 इस प्रकार से अगर कुछ नंबर आता था तो मैं 3 4 5 में मिल जाए 10 ऐड करने पड़ेंगे, तब जाके आपको मिलेगा उसका ग्रुप नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे नंबर होता 5, तो हम क्या करते हैं 5 + 10, मतलब इसका ग्रुप नंबर हो जाता था 15। ओके, पर यहाँ पे क्योंकि 2 है तो इसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं, उसका ग्रुप नंबर आ जाएगा आपका 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट उन्होंने पूछा है टू विच पीरियड डज दिस एलिमेंट बिलोंग, तो पीरियड कौन सा है। तो पीरियड के लिए आपको पता ही है कि नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं वो देखना है। तो नंबर ऑफ सेल कितने हैं 3 1 2 3 3 नंबर ऑफ सेल है, मतलब इसके अंदर पीरियड भी आपके कितने हो गए 3। विद विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वुड दिस एलिमेंट रिसेंबल, ये एलिमेंट कौन से एलिमेंट के जैसा है ऐसा उन्होंने पूछा है। तो आपको पता ही है जो एलिमेंट एक ही ग्रुप के अंदर होते हैं उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। तो जैसे कि हमें पता है कि ये जो एलिमेंट था वो अपना सेकंड ग्रुप का एलिमेंट था, तो जो आपको नेम दिए है उसमें से सबसे ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो सेकंड ग्रुप में है वो आपको चेक करना। तो आपको पता ही है ये बेरियम 4, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है आपका 2 2, तो लास्ट ऑर्बिट में 2 है, इसका मतलब ये भी ग्रुप 2 से बिलोंग करता है, और आपका एलिमेंट भी जो दिया था वो भी ग्रुप 2 से बिलोंग करता था। तो दोनों भी एक ही ग्रुप के हैं, मतलब कि दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होगी, और उसके कारण हम बोल सकते हैं कि Be4 इज रिसेम्बल विद द गिवन एलिमेंट। नेक्स्ट उन्होंने क्वेश्चन पूछा है राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स फ्रॉम द गिवन एटॉमिक नंबर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सबको लिखना आता ही होगा जैसा कि मुझे पता है, अगर किसी को उसमें कन्फ्यूजन होगा तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है।
अभी फिलहाल मैं यहाँ पे उसको उतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट डायरेक्ट उसके आंसर मैंने आपको दिया है। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, हर एग्जांपल में आपको लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और उसके अलावा उन्होंने जो क्वेश्चन पूछे है उसका आंसर अलग से लिखना है। तो जैसे इन्होंने दिया है और उन्होंने पूछा है क्वेश्चन में, विच ऑफ दिस एलिमेंट्स बिलोंग टू द पीरियड थ्री। पीरियड थ्री में कौन सा एलिमेंट होगा जिसके अंदर थ्री नंबर ऑफ सेल है? तो थ्री नंबर ऑफ सेल कहाँ पे आ रहे हैं? सिलिकॉन के केस में आ रहे हैं 1, 2, 3, सोडियम में आ रहे हैं, फॉस्फरस के लिए भी आ रहे हैं तीन शेल्स। तो इन तीनों के लिए तीन शेल आ रहे हैं, मतलब ये तीनों एलिमेंट्स हो गए आपके पीरियड नंबर थ्री के। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है विच ऑफ दिस एलिमेंट बिलोंग टू सेकंड ग्रुप। तो मैंने अभी आपको बताया ग्रुप नंबर कहाँ से पता चलता है कि लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उन्होंने पूछा सेकंड ग्रुप, तो सेकंड ग्रुप वाले के लिए लास्ट ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। वो आपको कहाँ पे दिख रहा है? वो दिख रहा है हमें कैल्शियम में, उसके अलावा बेरियम में। बेरियम के भी लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और कैल्शियम के लास्ट ऑर्बिट में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि कैल्शियम एंड बेरियम आर द एलिमेंट्स विच आर बिलोंगिंग टू ग्रुप नंबर 2। उसके बाद जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है विच इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट अमॉन्ग दिस। तो आपको पता ही होगा कि जो भी एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ वाला होता है वो होता है इलेक्ट्रोनिगेटिव। उसके अलावा हम क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिव अगर किसी एलिमेंट को होना है तो इलेक्ट्रोनिगेटिव होने के लिए उसकी इलेक्ट्रॉन को गेनिंग करने की प्रॉपर्टी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। मतलब कि वो जो एलिमेंट होगा या फिर वो जो आइटम होगा उस एलिमेंट का, उसके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सके। तो जो एलिमेंट सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन गेनर होगा वही होगा आपका इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। और इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी किस में ज़्यादा होती है? जो इलेक्ट्रॉन जिस एटम का एटॉमिक साइज छोटा होगा, जिस एटम का एटॉमिक साइज छोटा होगा वो आपके लिए इलेक्ट्रॉन गेन काफ़ी इजीली कर सकता है। तो हम इसमें से देख सकते हैं, वही सब मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिया है। तो ऑक्सीजन 8 अगर आप इसको देखोगे तो ऑक्सीजन 8 0 6 इस प्रकार से उसका एटम का साइज दिया हुआ। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ही 8 प्रोटॉन्स होंगे। ये बाकी सब की तुलना में इसके पास प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है ऑक्सीजन के पास, उसके कारण वो अपने लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ज़्यादा खींच पाएगा और उसके कारण उसकी साइज बाकियों की तुलना में छोटी होगी। एल्युमिनियम की साइज़ तो बड़ी होगी क्योंकि उसमें ऑलरेडी 3 शेल है, मगर ऑक्सीजन की साइज जो है वो बाकी इन चारों से सबसे छोटी होगी और उसके कारण ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर फिर भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आया होगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का, तो मैं उसको अलग से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। फिर उसके लिए आपको अलग से कमेंट बॉक्स में लिखना होगा कि हमें समझ में नहीं आया। देन फोर्थ क्वेश्चन पे जाते हैं, विच इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव। इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्या होगा? उसका एकदम अपोजिट। जैसे जो इलेक्ट्रॉन गेनिंग की प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी तो वो इलेक्ट्रो निगेटिव हो जाता है, उसी प्रकार से अगर इलेक्ट्रॉन लूजिंग की प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी तो वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाएगा। उसके लिए क्या होना चाहिए? तो आइटम सबसे बड़ा होना चाहिए। तो सबसे बड़ा आइटम किसका होगा? एल्यूमिनियम का, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास ऑलरेडी 3 शेल्स है। जिसके पास शेल ज़्यादा वो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉन को काफ़ी इजीली डोनेट कर पाएगा, और उसके कारण हमने लिया है कि एल्यूमिनियम 13 इज़ द इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। काफ़ी ईजी है, इस प्रकार से आप उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ दीज हैज़ द लार्जेस्ट एटम। सबसे बड़ा एटम किसका होगा? तो जिसके पास नंबर ऑफ सेल ज़्यादा है। अभी इस केस में तो सभी के पास नंबर ऑफ सेल सेम ही है। फिर जिसके पास इलेक्ट्रो पॉजिटिव, क्या बोलते हैं उसको, पॉजिटिव चार्ज जिसके पास सबसे कम होगा। पॉजिटिव चार्ज कम होगा मतलब वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ज़्यादा नहीं खींच पाएगा, मतलब एटम की साइज बड़ी होगी। तो किसके पास सबसे कम है एटॉमिक पॉजिटिव चार्ज? तो सबसे कम किसके पास होगा? सोडियम के पास, क्योंकि सोडियम के पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है सिर्फ 11। बाकी सब के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है, मतलब कि प्रोटॉन की संख्या भी ज़्यादा होगी, और उसके कारण उसका जो आपका एटम का साइज आएगा वो बड़ा आएगा एज कम्पेयर टू सोडियम। ठीक है, एटम का साइज छोटा आएगा एज कम्पेयर टू सोडियम। सोडियम का एटम का साइज सबसे बड़ा आएगा क्योंकि उसके पास में पॉजिटिव चार्ज सबसे कम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो उसी में आप कुछ एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो उसी का पॉइंट। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
उन्होंने पूछा है विच ऑफ दिस एटम हैज द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस, सबसे छोटा एटॉमिक रेडियस किसका होगा जिसके पास एटॉमिक पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा होगा और नंबर ऑफ सेल सबसे कम होगा। तो नंबर ऑफ सेल लिथियम के पास और बेरियम के पास सबसे कम है, मतलब कि आंसर इन दोनों में से ही आएगा। उसके बाद जिसके पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, किसके पास ज़्यादा है, बेरियम के पास, इसके पास 4 है, इसके पास 3 है, तो बेरियम के पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, इसका मतलब इसका आंसर आएगा आपका बेरियम। इस तरह से आप उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द अबव एलिमेंट हैज द हाईएस्ट मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर किसके पास सबसे ज़्यादा है। पहले तो हमने सभी एलिमेंट्स के लिए उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन यहाँ पे लिख लिया है। उन्होंने पूछा था कि मेटेलिक कैरेक्टर किसके पास ज़्यादा हो गए, तो मेटेलिक कैरेक्टर किसके पास ज़्यादा हो गए, जिस एलिमेंट का साइज सबसे बड़ा होगा। अभी इस केस में तो सभी के पास 3-3 शेल है, तो जिसका एटॉमिक नंबर सबसे छोटा, किसका नंबर सबसे छोटा है, सोडियम का, उसका मतलब सोडियम होगा आपका सबसे अच्छा मेटेलिक कैरेक्टर वाला एलिमेंट। नेक्स्ट विच ऑफ द अबाउ एलिमेंट हैज़ द हाइएस्ट नॉन मेटेलिक किसके पास सबसे ज़्यादा होगी, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा। तो पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा किसके पास है, फ्लोरीन। सभी के पास शेल तो 2 ही है, पर इसके पास 7+2 9 है, बाकी सबके पास उससे कम है, उसका मतलब फ्लोरीन हो गया आपका सबसे हाइएस्ट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर वाला एलिमेंट। उसके बाद एक काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है आपको, राइट द नेम एंड सिंबल ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन। तो एटम सबसे स्मॉल साइज वाला कौन सा होगा, हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक मास सबसे कम है वो भी हाइड्रोजन। इलेक्ट्रोनिगेटिव वाला फ्लोरीन है ना, काफ़ी इजीली आप उसको जान सकते हैं। नोबल गैस जिसका एटॉमिक रेडियस सबसे स्मॉल होगा वो होगा आपका हेलियम, क्योंकि सबसे ऊपर में आ रहा है। मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल कौन सा है, फ्लोरीन। ठीक है, राइट, शॉर्ट नोट ऑन वाला जो बाकी क्वेश्चन है उसको हम अगले वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है जो मेंडेलीव पीरियडिक टेबल के बारे में अगर आपको बता दूंगा तो शायद आपके लिए काफ़ी हेल्प हो सकती है। उससे आपको मॉडर्न पीरियडिक टेबल दिया है, इसमें देखिए इन्होंने बोला है कि एटॉमिक रेडियस जो है वो जब आप लेफ्ट से राइट की ओर जाओगे वो डिक्रीज होते जाता है। क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि हमने देखा था कि एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वैल्यू हमेशा बढ़ते जाएंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। उसके बाद इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, मतलब कि आप जब राइट से लेफ्ट की ओर जाओगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ते जाएगी, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल्स की, मतलब इधर मेटल्स से आप किसकी तरफ जा रहे हो, नॉन मेटल्स की तरफ। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी तो उसी का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी घटेगी, मतलब जो एलिमेंट यहाँ होगा वो सबसे अच्छा मेटल होगा, जो इधर होगा वो उतना अच्छा मेटल नहीं होगा, ये सबसे अच्छा नॉन मेटल होगा। फिर मेटल सबसे बढ़िया कौन सा, तो जो मेटल का साइज सबसे बड़ा होगा और सबसे लेफ्ट में होगा, तो सबसे बड़ा साइज का लेफ्ट में एलिमेंट कौन सा आएगा, जो यहाँ पे आएगा, और जो सबसे अच्छा नॉन मेटल है वो कहाँ आएगा, तो इस जगह पे। ये लास्ट ऑर्बिट लास्ट वाले ग्रुप को आपको छोड़ देना है, क्योंकि ये तो इनर्ट गैसेस का ग्रुप है, तो उसके पहले का जो सबसे ऊपर का एलिमेंट होगा जो कि है फ्लोरीन, वो आएगा आपका सबसे अच्छा नॉन मेटल। तो सबसे अच्छा मेटल कौन सा है, फ्रांसियम, और सबसे अच्छा नॉन मेटल कौन सा है, तो फ्लोरीन। ठीक है, इधर के सारे एलिमेंट्स मेटल हो गए, जैसे जैसे हम इधर से आज इधर की ओर जाएंगे उधर से अपने को नॉन मेटल्स आना शुरू हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हो गए आपके सबसे अच्छे इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स और इधर हो गए सबसे अच्छे इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, अगर इस टेबल को और भी आपको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करना अगर आप चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उस तरह से लिख सकते हैं, आई विल ट्राई एंड मेक वन वीडियो फॉर यू पीपल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, please like, share and follow our channel, please follow us, thank you.